हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप MIUI का डिवाइस यूज करते हो, Xiaomi Poco Redmi का, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल चुकी है अपडेट रिट्रीविंग का। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो अपडेट के टाइम पे आता है। अपडेट डाउनलोड करने के बाद आपको जो अपडेट रिट्रीविंग जब होता है तो उस टाइम पे आपको एक एरर मैसेज देखने को मिलता है। तो उस एरर को आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो, जो कि स्क्रीनशॉट पे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस एरर को मैं कैसे आप फिक्स कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। कोई भी MIUI का वर्जन हो, MIUI 12 हो, 13 हो, 12.5 हो या फिर 14 हो, सभी के अंदर ये जो है काम करेगा। सबसे पहले जाना अपने फोन के सेटिंग के अंदर। सेटिंग में अंदर जाने के बाद यहाँ पर अबाउट फोन में, अबाउट फोन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप जाना MIUI के अपडेटर के अंदर। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोग बैक जाना, यहाँ पर आपका जो रिसेंट मेनू उसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपडेटर है उसका एप्लीकेशन शो हो जाएगा। तो उसके बाद उसके अंदर जो आपको क्लिक करके रखना है, ऐप इन्फो के अंदर जाना, तो कुछ इस तरीके का जो अपडेटर एप्लीकेशन का जो ऐप इन्फो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, काफी सारे इसके अंदर जो आपको सेटिंग्स देखने को मिलेंगे, तो सेटिंग्स को आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है। जस्ट आपको यहाँ पर जो है क्लियर डेटा और क्लियर कैश कर देना। तो आप जो है बस जो है क्लियर डेटा को कर देना, आपका काम हो गया है। बैग जाना यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आप लोग जाना सेटिंग अपडेटर के अंदर। उसके बाद हो सकता है कि आपको जो है फिर से अपडेट जो है डाउनलोड करने को बोला जाए, तो आप लोग अपडेट चेक करके वापस से इसको डाउनलोड कर लेना, लेटेस्ट वाला अपडेट को। अपडेट को डाउनलोड यहाँ पर जो है प्रॉपरली अपलोड करना है। तो और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी गाइस, जो है आपको अपडेटर क्लियर कैश क्लियर डेटा करने के बाद आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद जो है वापस से आपको अपडेटर को डाउनलोड करना है। जो भी अपडेट आपका आया हुआ है, 1 GB, 1.5 GB या फिर जितना भी MB का अपडेट आया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जो है अगेन से आपको जो है अपडेट को इंस्टॉल करने का ट्राई करना है। अगर वहाँ पर रिट्रीविंग का दूसरा कोई प्रॉब्लम आता है तो उस केस में भाई यहाँ पर थोड़ा आपके MIUI के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे मैंने जो ट्रिक आपको बताया, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो काफ़ी चांसेस है कि जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसको करने के बाद। तो इसको आप लोग फॉलो करो गाइस, MIUI के डिवाइस है, 12 हो, 12.5 हो, 13 हो, 14 हो, कोई भी एंड्रॉइड वर्जन हो, सभी के अंदर ये काम करेगा। तो जस्ट जो आप इसको फॉलो करो, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। तो यही था वीडियो, मिलता होगा इस नेक्स्ट वीडियो में।